के सीक्रेट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मावा कचौरी बनाएंगे। इसके लिए जिन सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें अपना 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें अपने कटी मेवा डाल देंगे, जो भी हमें अपनी स्टफिंग में डालनी है। मेवा बिल्कुल ऑप्शनल है, हम जिस भी तरह की मेवा या जितनी मेवा डालना चाहते हैं उतनी डालकर हम इसे घी में भून कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने काजू बादाम लिए हैं और इन्हें घी में भून कर एक प्लेट में निकाल लिया है। ध्यान रखना है मावा कचौरी में कि मेवा हमारी अच्छे से चॉप्ड होनी चाहिए। हम अपनी मावा कचौरी पहली बार बना रहे हैं तो हम मेवा को चॉप करने की बजाय वो महीन पीस सकते हैं और फिर उसको अपनी स्टफिंग में मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कचौरियाँ फटेंगी नहीं और आसानी से बिल भी जाएंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कचौरी यदि पहली बार बना रहे हैं तो मेवा को हमें बिल्कुल महीन रखना है। मैंने अपनी मेवा अच्छे से घी में भून लिया और इसे प्लेट में निकाल कर अलग कर लेंगे। अब बचे हुए घी में अपना खोआ हम भूनेंगे। अब इसमें अपना खोआ हम ऐड कर देंगे और इसे धीरे धीरे धीमी आंच पर हम भूनते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा खोआ भूनेगा वो ढीला होता जाएगा, फिर इसे हमें भूनते रहना है। जैसे ही हमारा खोआ कढ़ाई छोड़ने लगेगा और धीरे धीरे वो इकट्ठा होने लगेगा, इसका मतलब है कि हमारा खोआ अच्छे से भून चुका है। खोए को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि खोआ बिल्कुल ठंडा हो जाना है, उसके बाद ही इसमें हमें शुगर या बूरा मिलाना है। अब हम चाशनी बनाएंगे। एक बर्तन में 500 ग्राम चीनी और 1/2 लीटर पानी डाल देंगे, उबलने देंगे। तब हमारी चाशनी तैयार हो रही है। हम मावा कचौरी का आटा तैयार कर लेंगे। मैंने अपने बर्तन में 500 ग्राम मैदा ले ली है, ये मैदा छनी हुई थी पहले से। उसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे, इससे हमारी कचौरी का स्वाद बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें हम 10 ग्राम घी अच्छे से मिक्स करेंगे। घी को हमें पिघलाकर ही मिक्स करना है। और जिस तरह से मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मैदा में घी अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हाथ में बंधने लगी है, ध्यान रखना है कि हमें इसी तरह से बंधने लगे जो हमारी मैदा, इतनी मात्रा में हमें घी डालना है। अपनी वीडियो में घी का रेशियो बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है। अब घी तोल के डालेंगे तो मावा कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसके बाद हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। इसका सॉफ्ट डो लगाने के लिए हमें गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। गुनगुने पानी से हमारी मैदा बहुत अच्छे से फूल के फ्लफी हो जाएगी। तो हमारा आटा लगकर तैयार हो जाएगा तो इसे हम 1/2 आवर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे कोई भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करा है कचौड़ी फुलाने के लिए, बस हमें गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है। यदि हम अपनी रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो हमें नाप तोल कर ही चीजें ऐड करनी होंगी। इसमें अंदाजे से काम नहीं चलेगा, मैंने परफेक्ट रेशियो दे रखा है। इसी से आप यदि मोमन डालेंगे इसमें घी का तो हमारी मावा कचौड़ी उतनी ही खस्ता और टेस्टी बनेगी जितनी की हलवाई के यहाँ बनती है। अब मेरा आटा लग के तैयार हो चुका है, इसे मैंने ढककर छोड़ दिया है। अब मैंने एक कटोरी में फूड कलर और केसर दोनों को मिक्स कर लिया और इसमें गरम चाशनी डाल दी है, जिससे कि हमारा केसर और फूड कलर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यदि आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इधर अपना मावा जो हमने भुना था उसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसके बाद हम अपने ठंडे खोए में पिसी चीनी या बूरा मिक्स करेंगे और उसके बाद अपनी कटी मेवा ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है कि यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इसमें मेवा का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम उसमें फूड कलर डाल देंगे चाशनी में और थोड़ा सा फूड कलर अपने स्टफिंग में भी मिक्स कर देंगे, जिससे हमारी स्टफिंग का कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम इलायची पाउडर भी मिक्स करेंगे अपनी स्टफिंग में और चाशनी में भी। स्टफिंग बनाते वक्त आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि खोआ बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। यदि हमारा खोआ ठंडा नहीं होगा तो चीनी पानी छोड़ देगी और हमारी स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी और ना ही उससे हमारी कचौरी बनेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि खोआ हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो आप इसे 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है और हमारी मैदा ने भी रेस्ट कर लिया है। इसकी छोटी-छोटी लोइयां बनाकर मैं तैयार कर लूंगी अपनी कचौरी के लिए। अब उधर हम अपनी चाशनी चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए। चाशनी में हमें कोई तार नहीं बनाना है, लेकिन हाँ 10 से 15 मिनट इस चाशनी को बनने में लग जाएंगे जितनी की मात्रा मैंने दे रखी है। हम अपनी एक लोई ले लेंगे, उसे चकले पे गोल बेल लेंगे और जिस तरह से मैं स्टफिंग को फैला रही हूँ अपनी कचौरी में, इसी तरह से हम इसे फैला देंगे और अब हम इसे चिपकाते जाएंगे और इसकी एक लोई तैयार कर लेंगे और फिर इसे खूब अच्छे से हम पैक कर देंगे और इसे हल्के हाथ से हम धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे। यदि हमारी लोई जिस तरह से मेरी वीडियो में दिख रहा है खुले, तो इसे हमें आटे से अच्छे से चिपका देनी है और हल्के से हमें इसे बेलन की सहायता से बेलना है और इसको आटे से अच्छे से चिपका देने के बाद इसमें हम धीमी आंच पर घी में अपनी कचौरी डालेंगे। यदि हम कचौरी पहली बार बना रहे हैं तो हमें 1 या 2 कचौरी ही पहले डालनी है, ज्यादा कचौरी नहीं डालनी, क्योंकि हमें कचौरी हल्के हाथ से ही उलट पलट करनी है, क्योंकि मावा घी में जाकर फैलने लगता है और हमारी कचौरी फट भी सकती है। मैंने मावा कचौरी बहुत बार बनाई है और मैंने अपनी पहले 2 कचौरी बनाकर देख ली थी, मेरी फट नहीं रही है, इसलिए मैंने अपनी घी में 5 कचौरी एक संग डाल दी है। लेकिन आप कोशिश ना करें, शुरू में आप 1 या 2 कचौरी ही सेके हल्के हाथ से, क्योंकि चीनी हमारी घी में जाके गर्म होती है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, इससे हमारी मावा कचौरी का घी में फटने का डर रहता है और हमारा खोआ और जो चीनी का स्टफिंग है वो बाहर निकल कर घी खराब कर सकती है। इसलिए हमें अपनी मावा कचौरी को बहुत पेशेंसली धीरे धीरे एक एक करके ही सेकना है। जब हमारी मावा कचौरी धीमी आंच पर सुनहरी होने तक सेक जाएंगी तो इससे हमें
प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। फिर हम इसे ठंडा होने के बाद शुगर सिरप में कचौरियों को सोप करेंगे। ध्यान रखना है सोप करते वक्त भी हमारी कचौरियाँ ठंडी होनी चाहिए और हमारा शुगर सिरप भी गुनगुना होना चाहिए। ये बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म कचौरियों को भी हमें शुगर सिरप में सोप नहीं करना है। हमारी कचौरियाँ ठंडी हो जाएंगी हल्की सी, उसके बाद इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए शुगर सिरप में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि शुगर सिरप हमारी कचौरियाँ एब्जॉर्ब कर लें। 8 से 10 मिनट बाद हम इन कचौरियों को निकाल कर प्लेट में अलग कर लेंगे और इसे हम चॉप ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मेरी कचौरियाँ अंदर से कितनी फ्लफी फूली हुई बनी है और उनके अंदर रस भी भर चुका है। आप भी इसी मेथड से अपनी कचौरियाँ बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। और इस पे हम चांदी का वर्क लगाकर भी इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। इन्हें बाद में चांदी के वर्क से डेकोरेट किया है। कचौरियों को हमें बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।